श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड अध्याय 37। सीता का हनुमान जी से श्रीराम को शीघ्र बुलाने का आग्रह, हनुमान जी का सीता से अपने साथ चलने का अनुरोध तथा सीता का अस्वीकार करना। हनुमान जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखवाली सीता ने उनसे धर्म और अर्थ से युक्त बात कही। वानर, तुमने जो कहा कि श्री रघुनाथ जी का चित दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोक में डूबे रहते हैं, तुम्हारा ये कथन मुझे विषमिश्रित अमृत के समान लगा है। कोई बड़े भारी ऐश्वर्य में स्थित हो अथवा अत्यंत भयंकर विपत्ति में पड़ा हो, काल मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानो उसे रस्सी में बांध रखा हो। वानर शिरोमणि, देव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और श्री राम को भी देख लो, हम लोग किस तरह वियोग दु खसे मोहित हो रहे हैं। समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पर अपने हाथों से तैरने वाले पराक्रमी पुरुष की भांति श्री रघुनाथ जी कैसे इस शोक सागर से पार होंगे। राक्षसों का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे। तुम उनसे जाकर कहना वे शीघ्रता करें, यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। वानर, ये 10वां महीना चल रहा है, अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष हैं। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटा देने के लिए उससे यत्नपूर्वक बड़ी अनुनय विनय की थी, किंतु वह उनकी बात नहीं मानता है। मेरा लौटाया जाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह काल के अधीन हो रहा है और युद्ध में मौत उसे ढूंढ रही है। कपे, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला है, उसकी माता ने स्वयं उसे मेरे पास भेजा था, उसी ने ये सारी बातें मुझसे कही है। अविंध्य नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध तथा रावण का सम्मान पात्र है। उसने रावण को ये बताकर कि श्रीराम के हाथ से राक्षसों के विनाश का अवसर आ पहुंचा है, मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया था, किंतु वह दुष्टात्मा उसके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनता है। कपिश्रेष्ठ, मुझे तो यह आशा हो रही है कि मेरे पतिदेव मुझसे शीघ्र ही आ मिलेंगे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है और श्री रघुनाथ जी में बहुत से गुण हैं। वानर, श्री रामचंद्र जी में उत्साह, पुरुषार्थ, बल, दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं। जिन्होंने जनस्थान में अपने भाई की सहायता लिए बिना ही 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला, उनसे कौन शत्रु भयभीत न होगा। श्री रामचंद्र जी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, वे संकटों से तोले या विचलित किए जाए ये सर्वथा असंभव है। जैसे पुलोम कन्या शची इंद्र के प्रभाव को जानती हैं, उसी तरह मैं श्री रघुनाथ जी की शक्ति सामर्थ्य को अच्छी तरह जानती हूँ। कपिव, शूरवीर भगवान श्री राम सूर्य के समान हैं, उनके बाण समूह ही उनकी किरणें हैं, वे उनके द्वारा शत्रुभूत राक्षस रूपी जल को शीघ्र ही सोख लेंगे। इतना कहते कहते सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली, वे श्री रामचंद्र जी के लिए शोक से पीड़ित हो रही थी। उस समय कपिव हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी आप धैर्य धारण करें, मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे, अथवा मैं अभी आपको इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सती साध्वी देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, आपको पीठ पर बैठाकर मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा, मुझ में रावण सहित सारी लंका को भी धो ले जाने की शक्ति है। मिथिलेश कुमारी, रघुनाथ जी प्रस्रवणगिरि पर रहते हैं, मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा, ठीक उसी तरह जैसे अग्निदेव हवन किए गए हविष्य को इंद्र की सेवा में ले जाते हैं। विदेह नंदिनी, दैत्यों के वध के लिए उत्साह रखने वाले भगवान विष्णु की भांति राक्षसों के संहार के लिए सचेष्ट हुए श्री राम और लक्ष्मण का आप आज ही दर्शन करेंगी।
आपके दर्शन का उत्साह मन में लिए महाबली श्री राम पर्वत शिखर पर अपने आश्रम में उसी प्रकार बैठे हैं, जैसे देवराज इंद्र गजराज ऐरावत की पीठ पर विराजमान होते हैं। देवी, आप मेरी पीठ पर बैठिए, शोभने, मेरे कथन की उपेक्षा न कीजिए। चंद्रमा से मिलने वाली रोहिणी की भांति आप श्री रामचंद्र जी के साथ मिलने का निश्चय कीजिए। मुझे भगवान श्री राम से मिलना है, इतना कहते ही आप चंद्रमा से रोहिणी की भांति श्री रघुनाथ जी से मिल जाएंगी। आप मेरी पीठ पर आरूढ़ होइए और आकाश मार्ग से ही महासागर को पार कीजिए। कल्याणी, मैं आपको लेकर जब यहाँ से चलूंगा, उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। विदेह नंदिनी, जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ, उसी तरह आपको लेकर आकाश मार्ग से चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरा पराक्रम देखिए। वानर श्रेष्ठ हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता के सारे शरीर में हर्ष और विस्मय के कारण रोमांच हो आया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, वानर युद्धपति हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। वानर शिरोमणि, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्रीराम के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो? सीता जी की यह बात सुनकर शोभाशाली पवन कुमार हनुमान ने इसे अपने लिए नया तिरस्कार ही माना। वे सोचने लगे, कजरारे नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता मेरे बल और प्रभाव को नहीं जानती, इसलिए आज मेरे उस रूप को जिसे मैं इच्छानुसार धारण कर लेता हूँ ये देख लें। ऐसा विचार करके शत्रुमर्दन वानर शिरोमणि हनुमान ने उस समय सीता को अपना स्वरूप दिखाया। वे बुद्धिमान कपिव उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। बात की बात में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया, वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। इस तरह विशाल रूप धारण करके वे वानर श्रेष्ठ हनुमान सीता जी के सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशालकाय, तामे के समान लाल मुख तथा वज्र के समान दाढ़ और नखवाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विदेह नंदिनी से इस प्रकार बोले, देवी, मुझ में पर्वत, वन, अट्टालिका, चहार दीवारी और नगर द्वार सहित इस लंकोपुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है, अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए। आपकी आशंका व्यर्थ है, देवी, विदेह नंदिनी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। वायु के औरस पुत्र हनुमान जी को पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देख प्रफुल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली जंक किशोरी ने उनसे कहा, महाकपे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। वानर युद्ध हप्ते, दूसरा कोई साधारण वानर अपार महासागर के पार की इस भूमि में कैसे आ सकता है? मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में भी समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भलीभांति विचार कर लेना चाहिए। कपिश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है, जाते समय यह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठ भाग से नीचे गिर सकती हूँ। इस तरह समुद्र में जो तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों, नाकों और मछलियों से भरा हुआ है, गिरकर विवश हो मैं शीघ्र ही जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। इसलिए शत्रुनाशन वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे, उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें संशय नहीं है। मुझे हरकर ले जाई जाती देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। वीर,
उस समय मुझ जैसी रक्षिणी या अबला के साथ होने के कारण तुम हाथों में शूल और मुद्गर धारण करने वाले उन शौर्यशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संशय की अवस्था में पहुंच जाओगे। आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र न होगा। उस दशा में तुम उन सबके साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर सकोगे? कपिश्रेष्ठ, उन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे, उस समय मैं भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य ही गिर जाऊंगी। कपिश्रेष्ठ, यदि कहीं वे महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह तुम्हें युद्ध में जीत लें अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा की ओर तुम्हारा ध्यान न रहने से यदि मैं गिर गई तो वे पापी राक्षस मुझ गिरी हुई अबला को फिर पकड़ ले जाएंगे। अथवा ये भी संभव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे हाथ से छीन ले जाए या मेरा वध ही कर डालें, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय को अनिश्चित ही देखा जाता है। अथवा वानर शिरोमणि, यदि राक्षसों की अधिक डांट पड़ने पर मेरे प्राण निकल गए तो फिर तुम्हारा ये सारा प्रयत्न निष्फल ही हो जाएगा। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी न कर सके। अथवा ये भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दें, जहां न तो वानरों को मेरा पता लगे और न श्री रघुनाथ जी को ही। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया गया तुम्हारा ये सारा उद्योग व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो उनके आने से बहुत बड़ा लाभ होगा। महाबाहो, अमित पराक्रमी श्री रघुनाथ जी का, उनके भाइयों का, तुम्हारा तथा वानर राज सुग्रीव के कुल का जीवन मुझ पर ही निर्भर है। शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे तब संपूर्ण ऋचों और वानरों के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ न चल सकने का एक प्रधान कारण और भी है। वानर वीर, पतिभक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बलात् हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी, क्या करती? यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित दशमुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग्य कार्य होगा। मैंने युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाले महात्मा श्री राम के पराक्रम अनेक बार देखे और सुने हैं। देवता, गंधर्व, नाग और राक्षस सब मिलकर भी संग्राम में उनकी समानता नहीं कर सकते। युद्धस्थल में विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रतुल्य पराक्रमी महाबली श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ रह वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि की भांति उद्दीप्त हो उठते हैं। उस समय उन्हें देखकर उनका वेग कौन सह सकता है? वानर शिरोमणि, सम्रांगण में अपने बाण रूपी तेजसे प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और मतवाले दिग्गज की भांति खड़े हुए रणमर्दन श्री राम और लक्ष्मण का सामना कौन कर सकता है? इसलिए कपिश्रेष्ठ, वानर वीर, तुम प्रयत्न करके युद्धपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। मैं श्री राम के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो।